नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज अबाउट मेडिसिन। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे BCAA के बारे में कि BCAA क्या होता है, इसकी ज़रूरत बॉडी को क्यों होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BCAA किस प्लेटफॉर्म में लेना चाहिए, किन लड़कों को BCAA लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, BCAA के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंड दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट BCAA के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा BCAA सबसे बेस्ट एंड चीप रहेगा आपके लिए। एंड दोस्तों, साथ में आपको वीडियो क्लास में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर आपका गोल मसल गेनिंग का है तो आप जल्दी से मसल गेन कर लोगे, या फिर अगर आपका गोल फैट लॉस का है तो आप उन टिप्स को फॉलो करके अपनी फैट को भी लॉस कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हैं नॉलेज अबाउट मेडिसिन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है BCAA क्या होता है। दोस्तों, BCAA एक अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। हमारी बॉडी को 21 अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है जिसमें से 11 हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है, बाकी के जो 9 होते हैं उनमें से सबसे अहम होते हैं ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन। दोस्तों, ये तीनों अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ये इन अमाइनो एसिड्स को लेने के लिए हमें BCAA लेना पड़ता है। दोस्तों, BCAA में ये तीनों अमाइनो एसिड्स काफ़ी हाई लेवल में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम डाइट से भी जो है वो इन अमीनो एसिड्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जो डाइट है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब बात आती है कि BCAA क्यों लेना जरूरी है, किन लोगों को BCAA लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में हो, नॉट बॉडी बिल्डिंग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम जिम में जा रहे हैं तो BCAA की ज़रूरत है, तो ये सोचना आपका गलत है। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी स्पोर्ट में हो और आप किसी भी इंसान से ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो, किसी भी आम इंसान से ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो, मसल्स का यूज़ कर रहे हो, तो आपको BCAA लेना ही पड़ेगा। अब बात आती है BCAA के बेनिफिट्स की। दोस्तों, BCAA का कोई एक बेनिफिट नहीं है, BCAA के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट ये है कि मसल लॉस होने से बचाता है। जब हम जिम में जाते हैं तो आपकी बॉडी में से लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी होती है, जब वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है जिम करते समय, डंबल उठाते समय, तो आपकी बॉडी एनर्जी कहाँ से यूज़ करेगी। दोस्तों, मसल्स से आपकी एनर्जी यूज़ होगी, तभी आपका मसल्स लॉस होता है। अगर आप अपनी बॉडी को BCAA पहुँचा दोगे तो आपकी मसल्स लॉस नहीं होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा। अब दोस्तों, बात आती है BCAA के साइड इफ़ेक्ट्स की। दोस्तों, ये एक अमाइनो एसिड्स की चेन है, ये हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप भी किसी तरह की स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं तो आप BCAA जरूर लें, आपका BCAA लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात आती है कि BCAA को कैसे कंज्यूम करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि BCAA को सिर्फ वर्कआउट के बाद ही लेना चाहिए। दोस्तों, ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आप BCAA को ड्यूरिंग वर्कआउट भी ले सकते हैं, आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हैं, और बिफोर वर्कआउट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि कौन सा BCAA सबसे बेस्ट रहता है। दोस्तों, मैं इनलाइफ का BCAA यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी कम प्राइस में आपको हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसका प्राइस सिर्फ 1500 से 1600 रुपये आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में 450 ग्राम का आपको मिल जाएगा। इसमें 7 ग्राम तक BCAA आपको एक टीस्पून में मिल जाता है। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है उन इंपॉर्टेंट टिप्स की, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप मसल गेन करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको कौन सी टिप्स चाहिए। दोस्तों, मैं वीडियो की स्क्रीन में आपको वो टिप्स दे दूंगा, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका भी जो है वो मसल गेन या फिर दोस्तों आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आपका जो है वो गोल पूरा हो जाएगा। साथ में दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी डाइट भी बताऊंगा जिसमें काफ़ी हाई लेवल में जो है वो तीन अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन है, जो वो काफ़ी हाई क्वालिटी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप अच्छे से रीड कर लेना, आपको जो है वो बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी इन लाइंस को रीड करके।